बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। कितना लंबा नाम है, ठीक। के यानी हमने बेसिकली हैबिटेट्स से रिलेटेड जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करना है हम, सही। सो इसको पढ़ने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल या एक सिंपल सी मैं आपको रफ आइडिया से देता हूँ। मसलन जो एक्सक्रीशन है ना, ठीक है, एक्सक्रीशन जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं क्या होती है एक्सक्रीशन वाला, कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, सही। इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है, यानी इट इज हैव वेरी क्लोज रिलेशन विद ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। यानी एक्सक्रीशन का जो रिलेशन है वो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ बहुत क्लोज है। भी हम पहले पढ़ चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहा था हमने, वाटर बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। नहीं, बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है, वाटर का जो लेवल आप मुकर्रर करते हो, जो एक लेवल मेंटेन रखते हैं, सही, वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आता है, सही। सो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का आपस में क्या लिंक है, कि जो एक्सक्रीशन का बेसिकली मेन कह लेंगे रूट है, रूट ऑफ एक्सक्रीशन, उसके अंदर वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सही। वाटर इज ग्रेटली इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, सही। ये कह सकते हैं वाटर इज द मेन सॉल्वेंट, यानी ये वो मेन सॉल्वेंट है जिसके जरिए एक्सक्रीशन होती है। इसकी एग्जांपल मसलन एग्जांपल क्या देंगे आप, ईजी हमने इन ह्यूमंस के अंदर जो यूरिन होती है, ठीक, जो यूरिन हमारी किडनी बनाते हैं, दे ऑलमोस्ट कंटेन 98% ऑफ वाटर, ठीक है। 94 to 98% इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, सही। इवन इससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, 99% या 99.9% तक जा सकता है वाटर कंसेंट्रेशन, सही। सो अब ह्यूमंस के अंदर हमें पता है यूरिया वेस्ट होता है, ठीक है। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें इतना साथ पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। सो एक्सक्रीशन इज ग्रेटली रिलेटेड विद द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। यानी वाटर बैलेंस के साथ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट का बहुत बड़ा रिलेशन है। यानी अगर हम बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स, मसलन बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के पास वेरी शॉर्टेज ऑफ, ठीक है, इनके पास पानी की बहुत कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, सही। सो उन्होंने वो एक्सक्रीशन का रूट इस्तेमाल करना है जिसके अंदर वाटर लॉस, यानी बर्ड्स वो रूट इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर वाटर लॉस बहुत कम हो, ठीक है। दे हैव टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, यहाँ पे मैं चले कलर चेंज कर, मैं कहता हूँ वो रूट, यानी रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो सा हो या मेथड ऑफ एक्सक्रीशन ऐसा हो कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन शुड बी या रूट ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व वेरी लेस वाटर, ठीक है, कि जो भी एक्सक्रीशन का प्रोसीजर हो उसके अंदर वाटर कम से कम इस्तेमाल हो, सही। यानी जिस तरह के सराउंडिंग मौसम, बर्ड्स जो है वो एयर में रहते हैं, ठीक है, एयर में अब ज्यादा पानी की बहुत कमी होती है, सो जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसके लिहाज से उन्हें एक्सक्रीशन करनी पड़ेगी। सो यानी जो भी मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, रूट ऑफ एक्सक्रीशन कह लें या मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो भी है, इट इज डायरेक्टली या कह लें ग्रेटली डिपेंड अपॉन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो यही चीज हम पढ़ने चाह रहे हैं। सो सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मसलन फिश की एग्जाम्पल लेते हैं, फिश के सराउंडिंग में तो बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है, यानी ये एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर आता है, सही। सो अब इसके पास पानी बहुत ज्यादा, सो इट विल नेवर केयर अबाउट वाटर कॉन्टेंट, ठीक है, ये वाटर के बारे में कभी केयर नहीं करेगी, नहीं, इसका जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, विल इन्वॉल्व, मोड ऑफ एक्सक्रीशन विल इन्वॉल्व मोर वाटर लॉस,
ठीक है, यानी इसके एक्सक्रीशन के अंदर ज्यादा वाटर लॉस होगा, सही। सो यानी अब कह रहे हैं कि इनके अंदर अडाप्टेशन आ जाएंगे, इन दोनों स्पीशीज के अंदर क्या चीज आ जाएगी, अडाप्टेशन। मसलन एक जो स्पीशी है वो कह लेंगे एयर इन्वायरमेंट के लिए अडाप्टेड हो जाएगी कि उसने वाटर लॉस कम करना है, जबकि जो फिशेज हैं ये अडाप्टेड हो जाएंगी एक्वेरिक इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे वाटर लॉस ज्यादा होगा, सही। इस तरह टेरिस्ट्रियल भी आते हैं कि जो लैंड पे एनिमल्स हैं उन्हें थोड़ा इंटरमीडिएट लॉस होता है उनका वाटर का, ठीक है ना, उन्हें ज्यादा कमी होती है ना ज्यादती होती है वाटर, सही। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, मसलन जो पीछे हम एक दफा डायग्राम स्टडी कर चुके हैं कि लाइक हमारे पास जो फूड है, फूड के अंदर ये बेसिक पार्ट्स होते हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे भला, वेजिटेबल से। फैट्स उनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलते हैं या फिर जो कोकोनट ऑयल जिस तरह सोयाबीन ऑयल। फिर प्रोटीन्स हमें एग से मिलेगी, मीट से मिलेंगी। न्यूक्लिक एसिड भी हमें एग्स और मीट्स वगैरह नहीं, जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट उसके साथ न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट को जब हम मेटाबोलाइज करते हैं, सही, ये जो स्टेप है बीच में ये मेटाबोलाइज करने का है, मेटाबोलाइज करने के बाद इनको कैटाबोलाइज करते हैं, हम तोड़ते हैं, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमाइनो ग्रुप रिलीज होते हैं, ठीक। अगर हम बारी बारी देखें, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा है, फैट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा है, प्रोटीन्स तीनों ग्रुप्स रिलीज कर रहे हैं, यानी इसमें अमाइनो ग्रुप भी आ रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, और वाटर भी आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। न्यूक्लिक एसिड में भी अगर आप देखें अमाइनो ग्रुप आ रहा है, वाटर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक। सो अमाइनो ग्रुप जो है वो इन दो के साथ लिंक है, ठीक है, यानी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के साथ, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होते, सही। आगे चलते हैं, जो नाइट्रोजन है या अमाइनो ग्रुप जो है ये तीन शक्लों के अंदर रिलीज हो सकता है, ठीक है, ये तीन फॉर्म्स के अंदर। इसमें एक अमोनिया है सिंपल NH3, सही, एक यूरिया है थोड़ा बड़ा कंपाउंड है और इसके अंदर दो अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, दो नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, और एक यूरिक एसिड है जिसके अंदर एक दो तीन चार नाइट्रोजन है, सही। सो अमोनिया जो है वो फिशेज के लिहाज से है, फिशेज क्योंकि हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि फिशेज जो है वो इक्वेटिक एनवायरमेंट में होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट केयर अबाउट वाटर लॉस, दे डू नॉट केयर अबाउट वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस के बारे में कोई सोच नहीं होती, बल्कि दे सपोर्ट वाटर लॉस, ठीक है, यानी ये क्या करेंगे इसके अगेंस्ट, दे विल सपोर्ट, ठीक है, यानी ये चाहेंगे कि जितना मर्जी वाटर लॉस होता जाए, ठीक है, एक्सक्रीशन के दौरान जितना मर्जी वाटर लॉस हो। सो ये अमोनिया रिलीज करेंगे अपने एक्सक्रीशन के, इसे हम अमोनोटेलिक कहेंगे, सही। सो ये सारे अमोनोटेलिक यानी फिशेज आ जाएंगे, जबकि जो कह लेंगे टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी ये किस में आ रहे हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में आ रहे हैं, जिसके अंदर मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, और सम ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेज भी आती हैं, सही, यानी फिशेज के अंदर जो बोनी फिशेज हैं ना वो अमोनोटेलिक हैं, ठीक है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जो कि जिसके अंदर कह लेंगे नरम हड्डी होती है, सही, वो भी यूरोटेलिक के अंदर कैटेगरी में आती है। सो यूरोटेलिक से क्या हो रहा था, जो एक्सक्रीशन के दौरान यूरिया रिलीज करेंगे, सही। सो दे हैव टू केयर अबाउट वाटर लॉस, ठीक है, केयर अबाउट वाटर लॉस, ठीक है, इन्होंने वाटर लॉस के बारे में केयर करनी, यानी इनकी कोशिश होगी कम से कम वाटर लॉस हो, सही। जबकि जो यूरिक एसिड है दे हैव मच, ठीक है, या दे आर मोर अडाप्टेड या मोस्ट अडाप्टेड कह लेंगे स्पीशीज, ठीक है, यानी ये यूरिक एसिड उन स्पीशीज में रिलीज होगा जो कि मोस्ट अडाप्टेड होंगे फॉर किस चीज में अडाप्टेशन होगी, मोस्ट अडाप्टेड फॉर लेस वाटर लॉस, ठीक है, कि इनके अंदर सबसे कम वाटर लॉस होगा यूरिक एसिड के अंदर, इसे हम यूरिकोटेलिक्स कहते हैं, इसमें बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स एंड सम काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स आ जाते हैं, सही। और यूरिक एसिड कह लेंगे इसके अंदर चार नाइट्रोजन है और इनकी जो स्पीशीज हैं बहुत कम वाटर लॉस होने देंगे, सही। अब हम पढ़ते हैं कि कितना कितना मसलन वाटर लॉस होता है इसमें। सबसे पहले अगर हम अमोनिया की बात करें, ठीक है, अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में जो सा है, अगर हमने 1 ग्राम, अगर मैं इसका चेंज करता हूँ, ये नाइट्रोजन है, सो अगर हमने अमोनिया के केस में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर हमने रिलीज करनी है
सो उसके लिए हमें 500 ml वाटर चाहिए होगा, सही। यानी अमोनिया केस में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, यानी एक्सक्रीशन के तौर पर रिमूव करने के लिए जो हमें वाटर की अमाउंट चाहिए होगी वो कितनी होगी, 500। जबकि यूरिया के केस में आते हैं, यूरिया के केस के अंदर इसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। यानी इस केस में 1 ग्राम ऑफ यूरिया के नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए हमें सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए होगा, सही। यानी जो भी यूरिन के जरिए कह लेंगे यूरिन जो सी होगी उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अगेंस्ट 50 ml वाटर चाहिए होगा, जबकि अमोनिया के केस के अंदर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अगेंस्ट 500 ml H2। तो अभी अच्छी समझ आ रही है कि ये वाटर लॉस की बिल्कुल केयर नहीं करते, यहाँ पे केयर अबाउट वाटर लॉस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप वो देंगे 10 टाइम्स जो वाटर की कहने के जो लॉस था उसे मिनिमाइज किया है। अगर हम यूरिक एसिड केस में आए, यूरिक एसिड इससे भी ज्यादा, मसलन अगर हम यूरिक एसिड केस में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 ml, ठीक है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा, सही। अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर हम रिलीज करना चाह रहे हैं इसमें, सो सिंपल 1 ml वाटर यूज होगा इसकी एक्सक्रीशन के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो बर्ड्स या स्पेशली बर्ड्स कह रहे हैं या इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स, दे आर मच अडॉप्टेड फॉर कहेंगे लेस वाटर लॉस, ठीक है, जिसके अंदर वाटर लॉस सबसे कम होगा, सही। सो इस तरह ये हमारे पास अमोनियोटेलिक आ गया, ठीक है, जिन्हें वाटर लॉस केयर नहीं होती, ठीक है, जितना मर्जी वाटर ये यूज कर लें, मतलब 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 500 ml यूज करें। फिर यूरियोटेलिक हो गया, यूरियोटेलिक में 1 ग्राम के लिए 50 ml रिक्वायर्ड था, और यूरिक एसिड के अंदर जिसे हम यूरिकोटेलिक कहेंगे उसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 1 ml वाटर सिर्फ रिक्वायर्ड होगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, सबसे पहले बात करते हैं यूरिया साइकिल की। यूरिया साइकिल सो यानी साइकिल से क्या मतलब है कि एक मेटाबॉलिक साइक्लिक कह सकते हैं रिएक्शन है एक किस्म का ये, और ये होता है लीवर में, ठीक है, टेक प्लेस इन लीवर, हमारे जिगर के अंदर, जिसे हम उर्दू में जिगर कहते हैं। सो जिगर के अंदर ये यूरिया साइकिल आता है। यूरिया साइकिल का काम क्या होता है कि ये जो कहने का अमोनिया होता है, सॉरी, जो अमोनिया होगा, अमोनिया जिसे हमने NH3 कहा था, इसे वो कन्वर्ट करेगा यूरिया के अंदर, ठीक है। और यूरिया का क्या फार्मूला बनता है वाला, ये होगा, यानी इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप हैं, NH2 होल ट्वाइस और OC हो जाए, ठीक है, OC NH2। सो यूरिया के अंदर से कन्वर्ट करेगा, इस साइकिल को यूरिया साइकिल कहते हैं। सो अब हम इसको स्टडी करते हैं किस तरह। सबसे पहले क्या होगा कि NH3 यानी अमोनिया का मालिक्यूल NH3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटर होगा, सबसे पहले किसके साथ, सिट्रोलिन, ठीक है, सिट्रोलिन कह लें कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, सही। सिट्रोलिन फिर आगे आर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनो सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनेट से मतलब नहीं है, एसिडिक कंपाउंड होता है। सो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन का सेकंड मॉलिक्यूल अमोनिया कह लेंगे NH3 का सेकंड मॉलिक्यूल इसके साथ इंटर होगा, यानी एक मॉलिक्यूल ये हो गया और सेकंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये हो गया, सही। फिर आर्जिनो सक्सिनेट जो है वो आर्जिन इनके अंदर कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन, सही। और फिर आर्जिनिन से यूरिया बनता है, सही। यहाँ पे एक एंजाइम काम करते हैं जिसे हम आर्जिनेज कहते हैं, सही। और फिर यूरिया बनने के बाद अगेन ये जो है ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ऑर्निथिन, सही, ये भी एक कंपाउंड है ऑर्निथिन, फिर अगेन सिट्रोलिन के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, सही। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स अगर हम काउंट करें, मसलन फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा सिट्रोलिन की फॉर्मेशन, फिर सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन सेकंड स्टेप, फिर आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन की फॉर्मेशन थर्ड, आर्जिनिन से यूरिया, ठीक है, आर्जिनेज की शक्ल के अंदर, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, और इससे फिर अगेन ऑर्निथिन की फॉर्मेशन 5, और 6 के ऊपर अगेन
हाँ बस आर्नेथिन सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट होगा, सही। अच्छा इस प्रोसेस के हर स्टेप के अंदर, मतलब जो स्टेप्स हमने लेबल किए 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, इनके हर स्टेप के अंदर कह लें कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एंजाइम होता है आर्जिनो सक्सिनेट सेंथेज, ठीक है, आर्जिनो सक्सिनेट सेंथेज एंजाइम होता है। यहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम है, ठीक है, जो कि 4 एंड 5, ये एक ही स्टेप है, ठीक है, 4 एंड 5 सिमिलर स्टेप्स, इसमें आर्जिनेज एंजाइम्स होते हैं। इस तरह यहाँ पे आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज, ठीक। सो यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, यानी इसके दरमियान स्टेप्स जो भी आ रहे हैं, उसके अंदर हर स्टेप के अंदर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस को कवर करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये हमने एंजाइम्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, मे भी आपने, कि एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस इतने स्लो हो जाएंगे, ये फिर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक एक रिएक्शन के अंदर हमें साल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन सेकेंड्स के अंदर हो जाते हैं, किसकी मौजूदगी के अंदर, एंजाइम्स के अंदर। सो ये भी एंजाइम है ई, ये भी एंजाइम है ई, ये भी एंजाइम है। सो इस तरह के और भी एंजाइम्स जो इन स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। सो इस स्टेप्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट क्या था कि पहला नाइट्रोजन आया हमारे पास, नाइट्रोजन ये पहला नाइट्रोजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो सिट्रोलिन के साथ ऐड होता है, ठीक है। सिट्रोलिन फिर आगे अगेन एक नाइट्रोजन एक्सेप्ट करती है, सही। सेकेंड यूरिया का मालिक्यूल आएगा, इसमें एटीपीज भी इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर बात है एटीपीज के बगैर रिएक्शन नहीं होगा। सो वो फिर आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट से फिर आर्जिनिन बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की मौजूदगी में। फिर आर्जिनिन के अंदर आर्जिनेज एक एंजाइम होता है जो उसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, सही। यानी ये पहला एंजाइम, सॉरी ये पहला नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन मिलके तो NH2 बना लेते हैं यहाँ पे यूरिया की शक्ल, यूरिया के अंदर। और फिर इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है, ठीक है, यानी इसे कहते हैं कार्बोजैरिक कार्बन, बीच में कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है, सही। दो अमोनिया का ग्रुप होते हैं, बीच में कार्बन एक ऑक्सीजन होता है। सो ये यूरिया का फॉर्मूला बन जाता है। सो इसमें यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है, अगेन आर्जिनिन जो सा ऑर्निथिन बनाएगा, और फिर अगेन सिट्रोलिन एंड सो ऑन टू कैरी ऑन, सही। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है किधर होता है, ह्यूमन लीवर के अंदर, ठीक है, कि जिगर के अंदर सारा प्रोसेस होता है जो यूरिया बनता है। यूरिया फिर वहां से फिर कहाँ जाएगा, जिगर से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर किडनी, और किडनी में से यूरिन के जरिए, ठीक है, यूरिन के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, सही। सो ये था ह्यूमंस के बारे में, जो कि ह्यूमंस के अंदर यूरिया साइकिल। इस तरह और भी जितने भी कहने यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर यूरिया साइकिल होगी, सही। अब हम रिवाइज कर रहे थे, मतलब हमने पढ़ा क्या क्या था, हमने स्टार्ट किया इसकी टॉपिक से, दैट नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट्स। सो इसमें हमने शुरू में एक कह लेंगे ओवरव्यू लिया, कि हमने कहा जी एक्सक्रीशन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ रिलेटेड होता है, सही। यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिलेटेड विद द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, क्यों, क्योंकि वाटर इज ग्रेटली इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, के एक्सक्रीशन के अंदर वाटर का इस्तेमाल भी होता है, सही। मसलन एग्जाम्पल में हमने कहा जी ह्यूमन यूरिन के अंदर 94 से 98% वाटर मौजूद होता है, सही। और फिर हमने यूरिया रिलीज करना था, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है, पॉइंट्स के अंदर 0.01% या 0.02% यूरिया जो है उसके लिए इतना ज्यादा वाटर लॉस होता है, सही। सो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर कह लें कि वाटर लॉस उतना ही ज्यादा शिद्दत वाली होती है। मसलन बर्ड्स जो से हैं इनके पास बहुत ज्यादा कमी होती है वाटर की, सही। सो अब वहां पे जो उनका मोड ऑफ एक्सक्रीशन होगा उसके अंदर उन्होंने बहुत कम वाटर लॉस करना है, ठीक। फिशेज जो से इसके अगेंस्ट, यानी जो मछलियां हैं ये पानी के अंदर रहती हैं, ठीक है, इन्हें वाटर लॉस से इतना लिंक या इतना कंसर्न नहीं है, सही। सो इनके अंदर अपनी अपनी अडाप्टेशन होंगे, मतलब बर्ड्स जो से वो अडाप्टेड होंगे कि वो जो एक्सक्रीशन करे उसके अंदर वाटर वाटर की मौजूदगी कम से कम हो, ठीक है। फिश के अंदर ये होगा वाटर लॉस से इनका कोई कंसर्न नहीं होगा, जितना मर्जी वाटर ये लूज कर दे अपनी बॉडी में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सही। फिर हमने थोड़ा सा रिव्यू किया, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो कि हमें फूड में मिलेंगे, फिर उसके अगेंस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है, और साथ अमोनिया या नाइट्रोजन रिलीज होंगे, सही। फिर
ये नाइट्रोजन तीन शेप्स में कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो सकता है, इसमें अमोनिया है सिंपल, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया के 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए था, यानी बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ये फिशेस के लिए है, क्यों? फिशेस को वाटर लॉस की कोई फिक्र नहीं होती, जबकि जो कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं लाइक मैमल्स वगैरह हैं, सो ये यूरिया में एक्सक्रीट करेंगे, यहाँ पे इनका जो वाटर लॉस है वो 10 times डिक्रीज हो जाएगा, यानी 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए सिंपली उन्हें 50 ml वाटर चाहिए होगा, सही। जबकि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में वाटर लॉस कह रहे हैं कि सीवियर वाटर लॉस को रिड्यूस करना होता है, सही। सो इनके यूरिक एसिड के अंदर रिलीज करेंगे हम, यहाँ पे जो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा ये ऑलमोस्ट सिर्फ कह लें कि 1 ml इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, नहीं बहुत ज़्यादा कम पानी के अंदर अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं, सही है। सो इस तरह ये अडाप्टेशन है इसके अंदर। फिर हमने यूरिया साइकिल की बात की कि यूरिया साइकिल के अंदर अमोनिया जो सा है वो पहले सिट्रोलिन बनाएगा, सिट्रोलिन के अंदर अगेन एक अमोनिया का मालिक्यूल ऐड होगा, वो आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट फिर आगे आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा और आर्जिनिन से आर्जिनेज एक्सट्रैक्ट करेगा, यूरिया बना देगा और अगेन ये आर्निथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही। सो अब फिर बात की कि इसके हर स्टेप के अंदर ऑलमोस्ट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज होगा जो कि आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, इस तरह आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज होगा जो कि आर्जिनिन बनाएगा एंड सो ऑन, ठीक है, आर्जिनेज होगा जो यूरिया और आर्निथिन बनाएगा, सही। सो इस तरह हर स्टेप्स के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व है। सो ये तो थे कुछ हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द हैबिटेट्स पढ़े, फिर हम आगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को मज़ीद स्टडी करेंगे।